हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो कि बेस्ट हैं क्यूब रूट टेबल पर। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.27 का आपको फाइंड करना है क्यूब रूट। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, पहले हम रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। मींस 100 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मींस हो जाएगा 27/100, ठीक है। अब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमेटर में जो ये क्यूब रूट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 होल अपॉन क्यूब रूट ऑफ 100, राइट। अब यहाँ पर 27 का क्यूब रूट आप जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। 3 × 9 = 27 होता है। अब यहाँ डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, 3/100 का आपको ढूंढना पड़ेगा क्यूब रूट टेबल से। चलिए चलते हैं क्यूब रूट टेबल में। तो आपको जाना होगा 1 के पास, और 1 में जो 100 प्लेस पर आता है वही होता है 100 का, क्योंकि वो x की जगह पे यदि आप 1 लिखेंगे तो आपका 100 ही आएगा। तो 4.642, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.64627, और भी डिजिट्स मिलेंगे जो कि डॉट डॉट करके आएंगे, लेकिन हमें चाहिए केवल केवल आप 4 लिखेंगे डिजिट्स तो भी काम चल जाएगा। डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट्स, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स तक निकालना होता है, तो केवल जो 4th डिजिट होगा उसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4th डिजिट अगर 2 है तो 2 को राउंडिंग ऑफ करने पर कोई भी चेंज नहीं होगा 3rd डिजिट में, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा 0.646। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन 17, 8.6 का आपको निकालना है क्यूब रूट टेबल से क्यूब रूट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8.6 को लिख देंगे पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल हटा देंगे तो 86/10 आ जाएगा। इसके बाद हम क्यूब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मिलेगा आपको क्यूब रूट ऑफ 86 होल अपान क्यूब रूट ऑफ 10। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 86 का आप जानते हैं टेबल से निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो चलते हैं देखते हैं 86 किधर है। तो देखिए 86 आपका ये है, 86 का जो है फर्स्ट यहाँ पर जो आएगा x की वैल्यू, जो x के रूट x के काबल में कालम में आएगा, 4.414 होल अपान। देखिए अब क्यूब रूट ऑफ 10 देखना होगा आपको, तो जाना होगा टेबल में, क्यूब रूट ऑफ 10 आपका यहाँ मिलेगा। 10 का है 2.154। यदि हम डिवाइड करेंगे इससे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 डिजिट्स तक वो मिलेगा 2.0492, ओके। लेकिन हम इसको यदि 2 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो केवल 9 तक हम लिख लेंगे, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 2.049, एंड दिस इज योर आंसर, ओके। राउंडिंग ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक, क्योंकि आपको निकालना ही है 3 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके। सो 2.049। नाउ 18, 0.86 का आपको फाइंड करना है क्यूब रूट। तो हम पहले इसको डेसिमल फॉर्म से हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 86/100, और इसके बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे क्यूब रूट टेबल, क्यूब रूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 86 होल अपान क्यूब रूट ऑफ 100। अब करना क्या है, 86 का आप देखना है आपको, तो अभी हम लोग जो फाइंड किए थे वही वैल्यू होगी, तो आपका हो जाएगा 4.414 होल अपान 100 का जो, तो वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.95 08। इसको जब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो मिल जाएगा आपकी वैल्यू 0.951, ओके। तो 3 डिजिट निकाला हमें वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए